हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इंटरमीडिएट सेमेस्टर रिजल्ट एंड डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन आ रहा था। आप लोग देखोगे इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो निकलता है उसमें आप लोग देखोगे जीपीए या सीजीपीए होता है या नीचे परसेंटेज लिखा रहता है, एंड जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जो होता है उसका जो ऑनलाइन रिजल्ट निकलता है उसमें आप देखोगे ओजीपीए एंड परसेंटेज निकलता है। तो जो ओजीपीए परसेंटेज है वो क्या सिक्स सेमेस्टर का है या ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल जीपीए है, ओके। तो इसमें इसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन आ रहा था, तो आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन रिजल्ट निकलता है उसके बाद आप उस जो परसेंटेज निकलता है उस परसेंटेज का मान ले तो वो सिक्स सेमेस्टर का परसेंटेज है, ओके। बट ऐसा कुछ नहीं, आप मैथ दिखाऊंगा आप लोगों को, ऑनलाइन रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ऑफलाइन रिजल्ट भी दिखाऊंगा, एंड जो फिजिकली रिजल्ट आप लोग मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, सिक्स सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर का दोनों दिखाऊंगा, ओके। सो ये रहा इंटरमीडिएट सेमेस्टर का रिजल्ट, आप लोग देखोगे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम लिखा रहता है, ओके। एंड नीचे देखोगे आप लोग मार्क्स सीजीपीए है एंड उसके अंदर 9.1 है। तो ये जो सीजीपीए है, ये जो जीपीए है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो सेमेस्टर में आप लोग पास किए हो, जो सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है उसी का 9.1 मिला है एंड परसेंटेज उसी का मिला, आप लोग को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है, ओके। तो अब आते हैं फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट। फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट में सेम वैसे ही, बट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी ओ जी पी ए का जो 8.4 आप लोगों को मिला वो सारे सेमेस्टर को मिलाकर होता है, ये सिक्स सेमेस्टर का नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो CGPA या GPA होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, जो हम लोगों का इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर का एक ही मिलता है, बट फाइनल सेमेस्टर में वो नहीं होता है। जो ऑनलाइन निकलता है रिजल्ट उसमें जो 8.4 यानी इसमें लिखा है 8.4, तो 8.4 जो GPA है यानी वो GPA है वो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट ग्रेड पर एवरेज होता है, यानी सारे सेमेस्टर को मिलाकर एवरेज होता है। और जो परसेंटेज होता है 79.76 वो सिक्स सेमेस्टर का नहीं होता है, वो सारे सेमेस्टर को मिलाकर परसेंटेज किया जाता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, यानी फर्स्ट डिस्टिंक्शन मिला है, फर्स्ट क्लास मिला है, वो नहीं मिला है, ओके। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फिजिकली जो है, जो आप लोगों को मिलता है, ओके, हार्ड कॉपी। उस हार्ड कॉपी में आप देखोगे नीचे एकदम ग्रेड पॉइंट एवरेज लिखा है, उसमें लिखा है 8.7 और लिखा है देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो लिखा है 82.4। तो ये जो दोनों मार्क्स है, ये दोनों मार्क्स सिर्फ सिक्स सेमेस्टर का होता है, सिर्फ और सिर्फ सिक्स सेमेस्टर में जितना आप लोगों को मिला वही होता है। एकदम नीचे आप लोग आ जाओगे, ओवरऑल देखो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज लिखा है 8.4, वो आपका ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, एंड जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है 79.8, आप लोग पिछले जो मैंने दिखाया था ऑनलाइन उसमें आप लोग देखो 79.76 लिखा है, और इसमें आप लोग फिजिकली जो हार्ड कॉपी आप लोग मिलेगा वो 79.8 है, तो ओके। तो देखो सेम वैसे ही सेम है, तो ये होता है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओके, जो आप लोगों को ऑनलाइन ही मिलेगा। और जो आपको हार्ड कॉपी जब मिलेगा, हार्ड कॉपी के अंदर आप लोगों को जान पाओगे कि आपको जो सिक्स सेमेस्टर में कितना मिला है, कितने जीपीए आया है, कितने परसेंटेज आया है, ओके। तो क्लियर हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके, एंड आगे ऐसे वीडियो आएगा, नो प्रॉब्लम, डिप्लोमा बीटेक के ऊपर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, बाय, टेक केयर।